दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैटरी से ऑपरेटेड कार, बाइक एंड जीप। इस शॉप के ओनर है अमृतपाल सिंह जी। हेलो सर, स्वागत है आपका चैनल। एक बार व्यूअर्स को हाय करें सर। हाय। ये सर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बैटरी एंड कार, तो मेरे ख्याल से सबसे सस्ता जो है वो बाइक ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें स्टार्टिंग क्या हो जाता है सर? लगभग सर बाइक से 2500 स्टार्टिंग होती है लगभग। ठीक है, लगभग। और कम से कम 6,000-8,000 तक की रेंज में जाती है। ओके। और इसमें सर अगर कोई जैसे परचेज करना चाहते हैं तो आप कहते हैं ना सर हमें सिंगल एक पीस चाहिए, तो क्या आप प्रोवाइड करते हैं या बल्क? हाँ जी, सिंगल पीस ही मिल जाता है। ओके। थोड़ा 200 रुपीज एक्स्ट्रा होता है। 200 रुपीज एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं? हाँ जी, सारी ट्रांसपोर्ट से जाता है, कोरियर करके जाता है। ओके। जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारी हमारी सेफ्टी होती है। ओके। सर जो मैं देख रहा हूँ ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो ये ना एक बार चार्ज जब हो जाता है तो चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, और साथ ही में जो है इसे कंटिन्यू अगर कोई चला रहा है बच्चा तो कितना देर ये चल सकता है? चार्जिंग आप कम से कम इसको 4 घंटे चार्ज करेंगे तो 1.5 घंटा चल जाती है। ओके। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पे जो है देख लेते हैं रेट, और कुछ देख लेते हैं यहाँ पे मॉडल किस तरीके का होने वाला है। ये छोटे से स्टार्टिंग होती है 2500 से। ओके। जब भी आपको किसी को कुछ चाहिए होगा तो मिल जाएगा, उसका प्राइस मैं उसी टाइम बता पाऊंगा। बाइक में अगर मॉडल की बात करें तो कितने मॉडल आपके पास मिल जाते हैं सर? सर कम से कम 20 से लेकर 30 तक होते हैं वैरायटी। ओके। हाँ जी, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं और पीछे जो है चलाने का ऑप्शन मिल जाता है। स्कूटी है तो ये लुक जो है स्कूटी का ही दिया गया है। यहाँ पे प्राइस जो है वो फिक्वेट होते रहता है। अगर एक का लगभग पूछे कि लगभग क्या होगा तो क्या बताएंगे सर? सर ये अभी इस टाइम 4000 का है। ओके, ठीक है। बाकी आप बात कर लीजिएगा, जब आप बात करेंगे तो हो सकता है कुछ कम हो। और यहाँ पे ना मतलब कई कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये बाइक मॉडल में है। और बाइक के साथ लगभग कितने डिजाइन मिल सकते हैं यहाँ पे? सर हर तरह की इसमें होती हैं, इसमें भी 3-4 वैरायटी आती है। ओके। सिंगल बैटरी, डबल बैटरी, मोटर्स, हैंड रेस आती है इसमें। ओके। यूएसबी लगा सकते हैं, फोन है, म्यूजिक है, मतलब कई सारे ऑप्शन जो यहाँ देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे भी लाइट जो है पहिए में भी लगा हुआ है। ठीक है, सपोज दैट की कोई कानपुर मंगा रहा है तो एक का कितना कॉस्ट किराया वगैरह पड़ जाता है लगभग? सर ये पैकिंग के 300 रुपीज लगते हैं। ओके, पैकिंग के 300। ठीक है, बाकी ट्रांसपोर्ट का उसको वही देना होता है। वही देना पड़ता है। हाँ जी। ओके। तो समथिंग जो है कोई अगर मान लीजिए कि ये स्कूटी मंगा रहा है तो लगभग जो है कितना जो है पड़ सकता है खर्चा स्कूटी का किराए का? देखिए दिल्ली हमारे यहाँ से 300 रुपये पैकिंग है और भिजवाने के वहाँ पे 400 रुपये लगते हैं। ओके। तो टोटल 700 का खर्चा आता है। 700 में यहाँ से कानपुर पहुँच जाएगा। हाँ जी, उनकी ट्रांसपोर्ट तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पे चाबी मिल जाता है, मतलब ना ऐसा बच्चों को फील होगा कि हम बड़े गाड़ी चला रहे हैं। ये बच्चों के लिए जो है एक तरीके से बड़ा गाड़ी है, जैसे बड़ों के लिए बड़ा बाइक होता है वैसे बच्चों के लिए बड़ा बाइक है। और यहाँ पे लाइट्स जो है हमें देखने को मिल जाता है, मतलब कई सारे बाइक है ना जिसमें पहिए में लाइट्स हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और इसमें म्यूजिक का सिस्टम है, जाते हैं फोन से भी कनेक्ट हो जाता है, ब्लूटूथ के जरिए ये प्ले हो जाता है इसमें सॉन्ग। ठीक है, 2 बैटरी 2 मोटर में। ओके, जैसे कि इन्होंने बताया ये अभी लेटेस्ट आया है ये और स्टार्ट होगा। ओके। ये पेन ड्राइव का यहाँ पे है ऑफ केबल, ये म्यूजिक यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, म्यूजिक चेंज हो जाएगा। हैंड रेस के अंदर है। ओके। ये पैर ब्रेक है इसका। ठीक है, ठीक है। और इसमें शॉकर भी लगा हुआ है। ओके, शॉकर भी यहाँ पे लगा हुआ है। एक बार इसे हम चला के देखना चाहेंगे। ये आएगा इसमें, ये देखिए बड़ा व्यक्ति भी इस पे जो है आराम से बैठ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मतलब वेट जो है वो काफी रख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि ये बच्चों के लिए है तो बच्चे ही यूज करें, बड़ा यूज ना करें। व्हील सबसे बड़ा साइज इसके अंदर, व्हील का साइज काफी बड़ा हो जाता है यहाँ पे देख सकते हैं। और काफी लुकिट है और फैंसी है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊं तो देख सकते हैं इस तरीके से। व्हाट्सएप पे पिक वगैरह सेंड करते हैं सर? हाँ जी सर। ठीक है, पिक वगैरह व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। रेट प्राइस लिखते हैं, रेट भी आप ले सकते हैं। जैसा कि एक हम कार का मॉडल देख रहे हैं, इसमें हमें रेड भी देखने को मिल जाता है और साथ में हमें व्हाइट भी देखने को मिल जाता है। और इसी से मिलता जुलता कितने मॉडल मिल सकते हैं कार के सर? सर इसमें 40 से लेके 50 तक आते हैं मॉडल। 50 मॉडल आपको मिल जाएंगे। और इन सब में ना एक अच्छी बात है कि बच्चा अंदर बैठा हुआ है ना तो ये रिमोट मिल जाता है जिसके जरिए कोई बड़ा आदमी ऑपरेट कर सकता है। साथ में मैनुअल भी, अगर बच्चा चलाने वाला समझदार है तो वो चला सकता है, वरना बड़ा व्यक्ति जो है
इसे ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, इसमें यूएसबी पेन ड्राइव सभी कुछ जो है आपको मिल जाएंगे। और लुक देख सकते हैं, लुक जो है वो काफी प्यारा होने वाला, हालांकि इससे मिलता जुलता भी काफी सारे मिल जाएंगे। तो कार कम से कम कितने का मिल जाता है सर? इसमें 5500 से स्टार्टिंग होती है और उसमें कम से कम 22,000 तक जाती है गाड़ियाँ। 22,000 तक जाती है। बड़ी बड़ी जीपें आती हैं, 6 मोटर की आती हैं, 4 मोटर की आती हैं, सब अलग अलग रेंज में होती हैं। ओके, और ये वाला कितने मोटर का है? ये वाली 2 मोटर की है। 2 मोटर की, हाँ जी, और 3 बैटरी होती है इसमें। ओके, यहाँ पे व्हाइट भी हमें देखने को मिल जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, ये भी 2 बैटरी 2 मोटर है और ये पड़ेगी मतलब इसमें ऐसी में सब रेंज में आती है 5500 में। ओके, और इसमें पेन ड्राइव ऑक्सलेट सब कुछ होता है। और अगर इसे छोटा बच्चा है जैसे 6 महीने का तो आप इसे बेल्ट बांध के बैठा सकते हैं और आप रिमोट से कुछ चला लेंगे। और बच्चा 2-3 साल के बाद खुद चलाना चाहता है तो रिमोट के बिना वो खुद भी चला सकता है, यहाँ एक्सीलेटर लगा हुआ है वो खुद चला लेगा। देख रहे हैं काफी सॉलिड है और ये देख सकते हैं जीप 4x4 में है, इसका जो व्हील है वो काफी मोटा है और बड़ा होने वाला है। और इस टाइप में ये मतलब कितने मॉडल मिल सकते हैं सर? सर इसमें भी बहुत तरह के मॉडल्स आते हैं, इसमें कम से कम भी 7 से 8 मॉडल आते हैं। ओके, और इसमें सब में अलग अलग चेंजिंग होते हैं, किसी में मोटर ज्यादा होती हैं, किसी में बैटरी एक्स्ट्रा होती है और मोटर कम होती है। इसमें 6 मोटर हैं और ये 4 टायर में लगे होते हैं और एक स्विंग करता है और एक उस रिमोट में होता है। ओके, ठीक है, इसे अगर हम ऑन करना चाहें तो कहाँ से ऑन होगा? ये यहाँ से बटन है, ये ऑन होएगा, ये म्यूजिक सिस्टम। इसमें पेन ड्राइव आएगा, ऑक्सलेट आएगा, म्यूजिक सिस्टम आएगा। इसे भी आप रिमोट से चला सकते हैं या आप एक्सीलेटर से चला सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, लाइट एक यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे भी इंडिकेट होता है म्यूजिक चलने के बाद, यहाँ है, उसके बाद हम आगे आएंगे तो हमें यहाँ पे भी लाइट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में हम अगर इसके बैक साइड को देखें तो बैक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, यहाँ पे पीछे देख सकते हैं। ओके, क्या सर ये? अच्छा, ट्रॉली सिस्टम भी बना सकते हैं इसे, ठीक है। 4x4 के अंदर है, चारों व्हील में मोटर आएगी, ठीक है। एक पावर स्टीयरिंग के लिए होती है, एक रॉकिंग के लिए होती है। ओके, ठीक है, और इसमें शॉकर भी दिया हुआ है, कंफर्टेबल रहेगा ये, ठीक है। और छोटा बच्चा तो गेट खोल के भी जा सकता है इसके अंदर। ओके, और ये बैग भी जाएगी, ये स्विंग भी करेगी। एक्स्ट्रा फीचर है स्विंग का, मतलब थोड़ा सा आगे जाएगा थोड़ा सा पीछे आएगा। अगर कहीं बच्चे को जाना है, आपको जाना है, बच्चे को बैठा दो तो ऐसे बेल्ट बांध लो, ऐसे करते रहेगा। इसके बंद कर दीजिए, ये रिमोट भी सिस्टम दिया हुआ है इसका, बैक फॉरवर्ड लेफ्ट राइट म्यूजिक रॉकिंग कर सकते हैं, ये स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। 1 है 2 3 4 5 6, ठीक है। रिमोट के बारे में थोड़ा सा समझाएं सर। ये स्पीड घटा सकते हैं इसके। ओके, ये यहाँ से बढ़ जाएगा। ओके, और क्या हो सकता है? ये ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। ये हॉर्न, बैक फॉरवर्ड लेफ्ट राइट, ठीक है, ठीक है। और म्यूजिक यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये रॉकिंग का सिस्टम दिया हुआ जो से आपको मैंने यहाँ से रॉकिंग करके दिखाया, प्लस आप रिमोट से भी रॉकिंग कर सकते हैं। मतलब छोटा बच्चा है ना तो रिमोट से जो है जी, बड़ा आदमी से कंट्रोल कर सकता है। इनका ये टाइमिंग होता है कॉलिंग का, आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। कभी 1% हो सकता है हम कभी कॉल ना उठा पाए तो आप उसमें मैसेज भेज सकते हैं कि आपको कोई गाड़ी चाहिए ये पसंद कर, तो आप मैसेज भेज दीजिए, हम उसको पढ़ लेंगे। और इसमें हर तरह की वैरायटी आती है और हर रेंज में ये गाड़ी होती है, तो इसमें आपके सब मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, सारी उसमें सारी रेट आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो आपको जो पसंद हो वो आप मुझे कॉल कर दें या मैसेज कर दें तो वो आपको गाड़ी मिल जाएगी। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कॉल करके ट्रांसपोर्ट का या कोई गाड़ी के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे, कोई भी सवाल हो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, कोई सवाल है हमसे तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुद सुरक्षित रहें, परिवार का ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।